घटना तो पूरे मुल्क में राज्य में होती रहती है। अगर आप देखते टीवी के अंदर या मीडिया में तो किस राज्य में घटना नहीं होती है। जालौर में टीचर की पिटाई से बच्चे की मौत हो गई, लेकिन अशोक गहलोत साहब को ये मामूली घटना लगती है। मीडिया के सामने अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं तो पूरे मुल्क में होती रहती हैं, टीवी पर दिखाई भी जाती हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो कार्रवाई करनी चाहिए वो हम सबसे पहले करते हैं, फिर विपक्ष वाले इसे बेवजह का मुद्दा क्यों बना देते हैं। घटना है कि वहाँ छुआछूत आज आज़ादी के 75 साल बाद भी वहाँ एक टीचर ने बच्चे को मारा, उसको लेकर बीजेपी भी मुद्दा बना रही है कि साहब यहाँ लचर कानून व्यवस्था है, क्या कहना है? देखिए बीजेपी मुद्दा बनाए वो तो उनका, मैं समझता हूँ विपक्ष में तो हमें कोई एतराज भी नहीं है, और हम बगैर मुद्दा बनाए हुए भी हमारी सरकार जो है हर घटना पर, घटना तो पूरे मुल्क में राज्य में होती रहती है, अगर आप देखते टीवी के अंदर या मीडिया में तो किस राज्य में घटना नहीं होती है। हम गौर निंदा करते हैं उन सब की घटनाओं की, परंतु हमारे राज्य में घटना होती है, पर हमारी सरकार को आपने देखा होगा, उदयपुर की घटना हो चाहे जालौर की हो, कोई घटना हो हमने पहल करके वो फैसले किए जो कि पब्लिक को खुद को कन्विंस करने वाले हों कि इससे ज़्यादा फैसला कोई कर नहीं सकती सरकार, न्याय सुनिश्चित करें, सजा शीघ्र मिले अपराधी को, ये हमारी खुद की अप्रोच है सरकार की। जालौर के स्कूल में 9 साल के बच्चे को टीचर ने महज इसलिए जोरदार थप्पड़ मारा था क्योंकि वो दलित जाति का था। उसने टीचर के मटके से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई थी। बस इसी बात से टीचर शैल सिंह इतना नाराज हुआ कि उसने 9 साल के इंद्र कुमार के कान पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि उसके कान के आसपास की नसें फट गईं। बच्चे की हालत बिगड़ने के बाद उसे जालौर के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब यहां के डॉक्टरों ने जवाब दिया तो अहमदाबाद में बच्चे को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन बच्चे की जान नहीं बच पाई। जब बच्चे की मौत हो गई तब सरकार और प्रशासन दोनों जागे। आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की खानापूर्ति कर दी गई। जालौर की घटना बहुत बुरी घटना हुई है, टीचर्स को अरेस्ट कर लिया गया, और तो टीचर अरेस्ट हो सकता है, तो जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही है वहाँ वहाँ हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। ये मैं कह सकता हूँ क्या, पूरा देश देख रहा, पूरा प्रदेश देख रहा है। अब क्या कहें ऐसे प्रशासन को और क्या बोलें ऐसे शिक्षा मंत्रालय को जो एक मासूम छात्र की मौत के बाद ही जागता हो। खैर बोल भी क्या सकते हैं, जब खुद प्रदेश के सीएम ही इस घटना पर इतना संवेदनहीन बयान दे रहे हों तो इनके मातहत मंत्रियों और अधिकारियों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। राजस्थान तक के लिए जालौर से नरेश बिश्नोई की रिपोर्ट।